गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज यह मेरा सब्जेक्ट है ईवीएस लेसन सेवेंटीन है वाटर प्रीति प्रीति वेंट टू राजस्थान विद हर क्लासमेट्स ऑन अ टूर फ्रॉम हर स्कूल दे एंजॉय टू ब्यूटी ऑफ राजस्थान देयर टीचर वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग व्हेन दे केम अक्रॉस एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी द वे ऑफ विच वेंट थ्रो स्टेयर्स प्रीति आज हर टीचर मैम वॉट इज दिस देयर टी teacher explained children it is a step well called baoli it is an open well in which water is stored access to water is access to water is through flight of stairs the water of a baoli is mostly used for drinking and cooking and not for the not for other purposes these were the wells from where people in the olden days could draw their supply of drinking water. This was when there were no pipes and water supply system that are available now. The kings and rulers used to get step wells constructed for storing rainwater. There were many Baolis in Delhi in the olden days. अब इसमें क्या है प्रीति जो है मतलब इस चैप्टर में एक प्रीति नाम की लड़की स्टूडेंट है जो अपने फ्रेंड्स के साथ राजस्थान घूमने जाती है वहाँ जो है वो राजस्थान मतलब इतना ब्यूटीफुल उसको एंजॉय करते हैं वो लोग टीचर जो एक्सप्लेन करती हैं वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें हैं जब वो एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मतलब आर्टिफिशियल जो इंसानों द्वारा बनाया गया है मतलब इंसानों द्वारा पानी संग्रहित करने के लिए चीज़ें बनाई जाती है तो उसके ऊपर से जब वो गुजर रही थी तो उसने मैम से पूछा कि मैम ये क्या है तो उसके टीचर ने एक्सप्लेन करते हुए बोला कि बच्चों ये बावली है मतलब इस पर सीढ़ियों के थ्रू हम चढ़ के या उतर के पानी जो है लेते थे यहाँ पे जो है मतलब ये जो है पानी ज़्यादातर पीने के लिए और खाना बनाने के लिए काम में आता था और जितने भी वहाँ मतलब लोग रहते थे या फिर जितने भी जो मतलब राजा हैं वो सब जो है इसको इसलिए बना देते ताकि जो है बारिश का पानी भी स्टोर हो सके और बहुत सारी बावलीज जो हम पुराने टाइम में दिल्लीज़ में भी देखी गई हैं लेटस्ट ट्राई टू लर्न सम मोर वेज वेज बाई विच पीपल गेट टू देयर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन इंडिया हैव एक्सेस टू वाटर taps in the houses itself or in the neighbourhood. They either get municipal supply of water or fix some reserves for themselves. There are many who use a motor to draw water. The localities in which water is scarce, people used to stand in big lines for their turn. The water is supplied in these areas for a short time. अब क्या होता है हम कुछ तरीके जानेंगे कि लोग जो है अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो कहाँ कहाँ से पानी लेते हैं जैसे आपको तो पता होगा आजकल के टाइम में हर सभी के घरों में वाटर टैप्स लगे हैं या फिर वो अपने आसपास मतलब लोग उनका एक कुआं होता है या फिर नलका वगैरह होता है तो उससे वो पानी लेते हैं या फिर जो है म्यूनसिपल मतलब टैंकर्स वगैरह आते हैं मतलब पानी देने के लिए और जो है मतलब बहुत सारे लोग जो है उनका एक ही मतलब पूरा पूरे जितने भी लोग लोकेलिटीज़ होते हैं सबका एक ही वो होता है और कुछ लोग क्या होते हैं वाटर जो है वाटर सप्लाई जो है इन इन जगहों पे hmm. छोटे टाइम के लिए भी आते हैं जैसे टैंक वगैरह है ना तो आप कभी भी मतलब लोगों को पानी की ज़रूरत होती है टैंक्स वगैरह मंगा लेते हैं वो देर आर सम एरियाज वेयर म्यूनसिपल पाइपलाइंस आर नोट लेड येट municipalities supply water to these areas by tankers in some areas people have to go long distance to fetch water in villages people have to go to nearby canal river well pond to fetch water अब जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे मतलब म्यूनसिपल पाइपलाइंस नहीं होती है बिछी हुई तो वहाँ पे क्या कहते हैं मुंसिपल मुंसिपल पार्टी जो होती है वो मतलब टैंकर्स को भेजती हैं ताकि लोग जो है अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा कर सकें और जहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं वो अपने आसपास के तालाब नदी यहाँ से जो है पानी लेके आते हैं पियाओ पियाओ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे यू हैव ऑफन सीन सम पीपल डिस्टर्बिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर टू द पैस Passes by in markets, especially during summer season. To quench someone's thirst is is a holy dead in our country. It is because no one can live without water, and if we are supplying water to a thirsty people, means we are saving him. इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आप जैसे देखते हो लोग जो है मतलब गर्मियों में पानी बांटते हैं एक दूसरे को ताकि जो है मतलब क्या होता है कभी कभी प्यास की वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है क्योंकि क्या होता है जैसे अब ये राजस्थान वगैरह तो वहाँ पे मतलब पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को पानी देना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट और अगर हम किसी को पानी पिला रहे तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं You can see that some people arrange water in tubs and offer to the people free of cost. Most of them do it to show that they care for other people. This is a form of temporary piao आप देख सकते हो कुछ लोग जो है मतलब पानी को जो है tubs में या फिर लोगों को पानी जो है free में देते हैं पीने के लिए। वो दिखाना चाहते हैं कि हम वो जो है दूसरों की कितनी केयर करते हैं और लोग जो है एक टेम्प्रेरी मतलब पियाओ जैसा बनाते हैं जैसे आप देख सकते हो ना इसे ही हम पियाओ बोलते हैं सम पियाओ और परमानेंट इन नेचर यू कैन सी अ वाटर टैंक कंस्ट्रक्टेड ऑन द रोड साइड विद वाटर टैप्स द पीपल अप पियाओ बिलीव दैट Offering water to the thirsty थर्सटी them तैम्स and satisfaction. अब क्या होता है कुछ पियाओ जो है permanent होते हैं जो प्राकृतिक मतलब बनाती है और कुछ जो है मतलब हमने water tanks जो है road side मतलब सड़क के किनारे देखा होगा जिसमें water taps लगे होते हैं जैसे इस तरीके का तो क्या होता है से ही हम पियाओ बोलते हैं तो इससे क्या होता है जो भी मतलब प्यासा आदमी है अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगे है, तो अपनी प्यास जो है इससे हट मिटा सकता है इन द एंशियट टाइम द बॉलीज एंड पियाज वर वेरी यूजफुल फॉर द ट्रैवलर्स

लोग पानी निकाल के पी सकते हैं यहाँ तक कि आज भी आपने रेलवे स्टेशन पे बस स्टे पे जो है मतलब पानी का जो है अरेंजमेंट करके लोग रखते हैं ताकि जो भी मतलब प्यासा आदमी है उसको पानी मिल सके और ख़ासकर गर्मी के दिनों में आपने बस स्टेशन के आसपास भी जो है प्याउज़ वगैरह दे रख देख रखा होगा नेक्स्ट है वाटर फॉर इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए भी तो पानी की जरूरत होती है ना इन आवर कंट्री वी हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कंप्राइजिंग रिवर्स कैनल पॉन्ड्स एक्सेट्रा आवर फार्मर्स डिपेंड ऑन दैम फॉर इरिगेशन इन देयर फील्ड्स हमारी जो कंट्री है वहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब सिंचाई के लिए लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई करते हैं खेतों में वो किसके थ्रू करते हैं नदियों के थ्रू कैनल्स पॉन्ड्स के थ्रू और जो हमारे जो किसान वगैरह होते हैं वो मतलब सिंचाई के लिए अपने अपने खेतों को सिंचाई के लिए इन्हीं सब चीजों पे जो है डिपेंड होते हैं बेसाइड्स फार्मर्स यूज सम अदर means to irrigate their fields. We shall study about a few of them. In order to use ground water for irrigation, water must be lifted to ground level so that the fields could not be watered. Nowadays, this is done with the help of tube wells. Tube wells are actually pumps which help to pull ground water. अब क्या होता है farmers जो है मतलब कुछ अलग-अलग तरीके जो है अपनाते हैं अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए पहले तो क्या होता था कि मतलब अंडरग्राउंड मतलब जो ज़मीन के नीचे जो पानी होता था उसका यूज़ भी जो है वो सिंचाई सिंचाई के लिए करते थे जैसे कि कुछ और कुछ चीज़ों का जैसे कि पंप हैंड पंप वगैरह वो यूज़ करते थे हैंड पंप से क्या होता है जो नीचे का पानी जो है अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है इन द ओल्डन डेज सच मॉडर्न अवेलेबल एनिमल और ह्यूमन हैड टू ड्रा वॉटर फ्राम द ग्राउंड लेटस लर्न अबाउट सम एंशंट मीन्स ऑफ ड्राॅइंग वाटर अब क्या होता था पुराने टाइम में जो होता था कि पम्प्स वगैरह नहीं होते जैसे आज कल के टाइम सिंचाई करने के लिए पम्प्स वगैरह होते थे ना होते हैं तो उस टाइम नहीं होता था तो, लो, तो लोग क्या करते थे वो खुद से जानवरों की मदद से जो है पानी को ऊपर मतलब ऊपर लेके आते थे तो कुछ यहाँ पे टेक्निक्स है पहला है डैंकली इट इज आल्सो कॉल्ड पायो पायोकोटा और शेडफ इट इज अ हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर इन इट अ पोल इज अनइवनली माउंटेड एज अ शी सी सॉ विथ वन एंड हैविंग अ बकेट एंड द अदर हैविंग अ काउंटर वेट विच लिफ्ट द बकेट अप द वॉटर इज ड्रॉन by pushing down the bucket into the water and the filled bucket gets lifted up by the counterweight. This was invented in ancient time and still used in India, Egypt and some other country to irrigate land. इरीगेट लैंड अब इस सिस्टम में क्या होता है डैंकली में जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कुआँ टाइप मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि यहाँ पे ये लकड़ी का दो सिरा होता था तो, तो एक सिरे पे क्या करते थे लोग मतलब भारी सा पत्ती सा पत्थर लगा देते थे और दूसरे सिरे पे जो है बाल्टी वगैरह रख देते थे तो क्या होता था कि जब बाल्टी को नीचे पानी की तरफ फेंका जाता था तो वो जैसे ही पानी भर के ऊपर आता तो क्या पीछे की तरफ हैवी होता था ना दूसरे सिरे पर पत्थर बंदा होता तो वो हैवी की वजह से पानी जो है यहाँ से उछल के खेतों में चला जाता था तो ये तरीका होता था अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए ये जो है मतलब लोग पुराने समय में यूज़ करते थे और अभी भी जो है लोग इसको यूज़ करते हैं और इसका जो है लोग यूज़ मतलब ये कहाँ पर होता था जैसे इजिप्ट और जो भी अदर कंट्रीज होती थी वो अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए करते थे नेक्स्ट है वाटर व्हील द वाटर व्हील इज अ सिंपल मैकेनिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट वाटर पावर इन टू रोटरी मोशन अ वाटर वील वर्कस ऑन इट्स प्रिंसिपल दैट मैन वाटर अंडर ग्रोज अ कंट्रोल चैलेंज अ कंट्रोल चेंज इन elevation, the falling water is a source of source of power and will turn the axle of water wheel. अब वाटर व्हील क्या होता है आप देख सकते हो पहिए की तरह होता है कैसे होता है पहिए की तरह है. तो इसको क्या मोशन करते थे लोग घुमाते थे तो क्या होता था जैसे अभी नीचे की तरफ जाएगा तो पानी लेके आएगा ना तो पानी लेके फिर आता था ऊपर की तरफ फिर जो भी और खेतों की तरफ ये उस पानी को फेंक देता था तो यही हमारा वाटर व्हील है नेक्स्ट है पर्शन व्हील इन अ पर्शन व्हील अ वील अटैच्ड विद बकेट इज अलाउड टू बी सम्मर्ज इन द वॉटर एज द वॉटर इज टर्न यूजिंग अ ब्लॉक द बकेट रोटेट ड्रिंकिंग वाटर द थ्रो विच कैरीज वाटर टू द फील्ड्स अब क्या होता था यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाटर मतलब अटैच ये भी एक इसी तरीके से था लेकिन ये क्या होता था ये मतलब एक गाय जो गाय वाली बैल गारी होती है ना उससे मतलब ये बैलों से बंधा हुआ होता था तो ये बैल क्या कहते थे उसको खींचते थे तो क्या होता था जो पानी जो निकलता था फिर वो क्या कहता था वो पूरे जो खेतों में है वो चला जाता था इससे जो है मतलब खेतों की सिंचाई हो जाती थी नेक्स्ट है आर्कमिटीज स्क्रू द आर्कमिटीज स्क्रू इज सेट एट एन इन एज टू हैव टू लोएस्ट थ्रेड इन द वाटर कोर्स एज इट इज रिवॉल्व द वाटर एट द लोएस्ट

मतलब रिवॉल्व मतलब जो थ्रेड्स वगैरह मतलब लपेटे हुए होते हैं तो उससे क्या होता था जो पानी जो है इसके थ्रू जो है मतलब इसके थ्रू वो ऊपर की तरफ आता था और फिर जो है वो मतलब पूरे खेतों में मतलब सिंचाई के लिए वो पानी चला जाता था नेक्स्ट है वॉट फ्लोट सिंक्स और मिक्सिस आप देखेंगे कि मतलब पानी में जो है क्या फ्लोट मतलब तैर सकता है क्या मतलब उसमें डूब सकता है और क्या जो है उसमें मिक्स हो सकता है तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई द फॉलोइंग टू एक्टिविटीज अब इसको समझने के लिए टू एक्टिविटी की है टेक वन ग्लास ऑफ वाटर एंड टू स्पून फुल शुगर नाउ मेक्स द शुगर इं टू द वॉटर विद द हेल्प ऑफ अ स्पून नाउ टेक नाउ टेक अ ग्लास फुल टू स्पून फुल सेंट ट्राई टू मेक्स द सेंड इन टू वन वाटर विद द हेल्प ऑफ अ स्पून अब इसमें क्या किया है दो ग्लास पानी लिए हैं एक में क्या किया है इन्होंने चीनी डाला है और एक में जो सेंड डाला है तो आप देखोगे चीनी जो है पानी में घुल जाएगा लेकिन वहीं पे जो वो सैंड है वो नहीं घुल पाएगा तो ऐसा क्यों होता है वॉट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्विंग वोथ एक्टिविटीज द सुगर डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम एंड द सैंड डिड नाट वाई इट इज़ सो दिस इज बिकॉज सुगर मिक्सिस इन वाटर वाइल सैंड डज नोट सैंड ऑब्जर्व द वाटर बट

पानी में जो है चीनी घुल जाता है लेकिन वहीं पे सैंड जो है वो नहीं घुल पाता है तो ऐसा क्यों है क्योंकि जो चीज़ें पानी में घुल जाती है उसे हम सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं और जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती उन्हें हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं सोल्यूएबल सब्सटेंस कौन से होते हैं हमारे जैसे कि सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया आप घर पे ये ट्राई करके देख सकते हो कि सॉल्ट और शुगर जो है हमारे पानी में घुलता है या नहीं और वहीं पे अगर आप वुड या फिर सैंड देखोगे तो वो इन सोल्यूएबल होता है क्यों होता है क्योंकि वो पानी में अच्छे से घुल नहीं पाते हैं द लिक्विड कैन ऑल्सो भी मिक्स विद ईच अदर बट ऑल लिक्विड्स कैन नाट बी मिक्स फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क मिक्सिस इन टू ईच अदर बट ऑयल कैन नॉट मिक्स इन वाटर क्या होता है सभी लिक्विड जो है मिक्स हो सकते हैं लेकिन कुछ कुछ लिक्विड्स तो है आपस में मिक्स नहीं हो सकते जैसे वाटर और मिल्क है वो आपस में मिक्स हो सकते हैं लेकिन वहीं पे आपका जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होगा वी कैन ऑल्सो मिक्स गैस इन लिक्विड्स इन पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर ड्रिंक्स आर बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अब क्या होता है गैस भी जो है मतलब एक गैस तरी गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे हमारे कोका कोला हो गया स्प्राइट होगी ये सब क्या होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं मिक्स होते हैं तो इसे हम इन इन ड्रिंक्स को हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं नेक्स्ट पेज पर चलते हैं नेक्स्ट है नाउ ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अब ये कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है टेक अ पीस ऑफ वुड एंड पुट इन अब क्या करना है आपको एक मतलब लकड़ी का टुकड़ा लेना है उसको क्या करना है आपको पानी में मतलब पानी के ऊपर डाल के देखना है वहीं पे एक एक लोहे का टुकड़ा देखना है उसको पानी में तो जब आप देखोगे कि जो हमारा जो लकड़ी का टुकड़ा है वो तैरने लगेगा वहीं पे जो हमारा जो कील है वो पानी में डूब जाएगा ऐसा क्यों होगा दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों होगा उस ऑब्जेक्ट मतलब जो वो वस्तु है उसके वजन की वजह से द हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज इट्स डेंसिटी मतलब उस ऑब्जेक्ट मतलब भारी है या फिर हल्का है मतलब उसका वेट कैसा है हल्का है या भारी है तो उसको हम डेंसिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं डेंसिटी इट एन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी लेस देन वाटर इट विल फ्लोट एंड इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी मोर देन वाटर इट विल सिंक अब क्या बोला है किसी भी चीज़ का अगर डेंसिटी वाटर से कम है तो वह तैने लगेगा वहीं पर अगर वाटर से अगर के मतलब चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा है तो वह पानी में डूब जाएगी डू यू एवर नोटिस दैट वैन समथिंग फ्लोट्स इन वाटर Part of it is actually underwater. As it sinks even a little bit, it pushes away the water until that amount of water weights the same as the thing that is floating. If the thing you try to float is too heavy, it cannot push away enough water to be the same as how much it weights. If दैट हैपन्स दट थिंग विल शिंक अब क्या होता है कुछ चीज़ें जो होती हैं मतलब अगर हल्की चीज़ें तो क्या करेगी वो पानी को पीछे की तरफ अग पानी में अगर को कोई चीज़ तैर रही है मतलब वो नाव है या फिर कुछ भी है तो आपने देखा होगा उसके पीछे क्या होता है मतलब टर्बाइन छोटा सा टर्बाइन लगा होता है ताकि वो क्या करता है पानी को जो है पीछे की तरफ धकेलता जाता है और वहीं पर अगर कोई चीज़ है वो पानी को धकेल ही नहीं रही है तो क्या करेगी वो नीचे जो है पानी में डूब जाएगी इट इज़ नोट जस्ट हाउ हैवी सम Heavy something is that make it float or sinks. Look how heavy real boats are, and they still float. Floating or s sinking has to do with the amount of water pushed out of the way. And the boat will sink if you put enough stuff inside it. Small heavy things like a marble or a rock cannot float because they can cannot put enough water uh, out of the way to be same as how much they weight. So anything that floats weight. दैट सेम एज the वाटर पुस्ट आउट द वे वहीं आप देखोगे इसमें एग्जाम्पल वही दिया है नाव का अगर आप नाव को देखोगे तो क्या करता है नाव आगे की तरफ चला जाता है उसमें देखें ना पतवार टाइप होता है तो क्या होता है पानी को पीछे की तरफ धकलता है तभी तो आगे की तरफ नाव जाता है वहीं पर अगर आप कोई मार्बल या फिर पत्थर ले लो पानी में नीचे चला जाएगा क्यों क्योंकि वो पानी को पीछे की तरफ नहीं खींच खींच मतलब पीछे की तरफ नहीं फेंकता है तो इस वजह से जो है वो चीज़ें जो है हमारी डूब जाती हैं ये हमारा चैप्टर खत्म होता है अब हम इससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज और वर्कशीट करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स देर आर मैनी बॉडीज देर आर मैनी बावलीज इन दिल्ली इन द ओल्डन डेज इन सम एरियाज पीपल हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंसेज टू फेच वाटर टू क्वेंट थर्स्टी इज अ होली डिड इन आवर कंट्री डैंकली इज ऑल्सो कॉल्ड सेट वर्व वाटर एंड मिल्क मिक्सिस इन टू इच अदर बट ऑयल कैन नॉट मिक्स इन वाटर फ्लोटिंग और सिंकिंग हैज टू डू विद द अमाउंट ऑफ वाटर पुस्ट आउट ऑफ द वे आपको ही कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं यहाँ पे इसको नेम आपको नेम लिखना है तो ये आप खुद करोगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स इसमें क्या ट्रू है जैसे देयर वर मैनी बावलीज इन दैली ट्रू है इन सम एरियज पीपल हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच वाटर ये भी सही है क्योंकि कई कई जगहों पे लोग दूर दूर तक पानी लेने जाते हैं ना द बावलीज वर नॉट यूजफुल फॉर ट्रेवल्स क्या बावलीज जो है ट्रे, ट्रेवल्स के लिए अच्छी नहीं थी तो गलत मतलब ये फॉल्स है द वॉटर व्हील इज़ अ सिंपल मैकेनिकल डिवाइस एक वाटर व्हील जो है सिंपल मैकेनिकल डिवाइस है।, है, है तो ट्रू सैंड डिजॉल्व इन वाटर सैंड जो है पानी में घुल जाता है नहीं द हैवनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट डेट नहीं डेंसिटी होती है डेफ्थ नहीं होती है ये कुछ चीज़ें हैं कि ये चीज़ें पानी में तैर सकती है डूब सकती हैं तो ये आप खुद करोगे और ये सॉल्यूबल में से कौन सी मतलब चीज़ें जो है पानी में मतलब मिल जाती है घुल जाती है उसको उसके आगे सॉल्यूबल लिखना है नहीं है तो इन ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको वर्कशीट में करवाऊँगी आज डेट हमारी थर्टीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है डेट थर्सडे है हमारा ये होमवर्क वर्कशीट नाइन है पहला वर्ड मीनिंग कंस्ट्रक्टेड निर्माण सप्लाई आपूर्ति सम पंडोबी पंडुबी लोकेलिटीज़ बस्तियों म्यूंसिपल नगर पालिका इरीगेशन सिंचाई टेम्पररी अस्थाई एडिकेट पर्याप्त कंप्रेजिंग शामिल सबस्टांस पदार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स वाटर अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ बाई विच पीपल गेट देआर सप्लाइज ऑफ वाटर मतलब अलग अलग तरीके पानी लाने के तो मुंसिपल पाइपलाइंस कैनल्स रिवर्स वेल्स पाउंड्स बहुत सारे तरीके थे बावलीस भी हैं पियाज़ भी है ये सब शॉर्ट नोट लिखना है आपको वेल्स और प्याओ पर तो इन एंशेंट मतलब पुराने टाइम में लोग जो बावलीज और जो प्याव होते थे वो बहुत ज़्यादा मतलब जो यात्री वगैरह होते थे उनके लिए बहुत अच्छा होता था आजकल जो है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे भी जो है लगे होते हैं मतलब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अबाउट टू डिफरेंट वेज़ बाय विच पीपल यूज़ टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन इन ओल्डन डेज आपको दो तरीके लिखने हैं मतलब पुराने तरी पुराने टाइम में जो लोग अंदर वाटर पानी जो है बाहर निकालते थे तो वाटर व्हील और पर्सियन व्हील मैंने लिखा है आपको शॉर्ट नोट लिखना है सोलबल इंसोल्यूबल पे सॉल्युबल क्या होता है मतलब जो पानी में घुल जाता है उसे हम सॉल्युबल बोलते हैं इन्सॉल्यूएबल क्या होता है जो पानी में नहीं घुलता है उन्हें हम इंसॉल्यूबल बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं हमारे शॉल्ट और शुगर होते हैं इन्सॉल्यूबल होते हैं हमारे सैंड और वुड होते हैं आपको क्या लगता है कि फ्लोट और सिंक मतलब पानी में चीज़ें डूबती या फिर तैरती क्यों है तो उसके डेंसिटी पे मतलब वेट पे डिपेंड करता है वो अगर उसका मतलब डेंसिटी अगर जो है पानी से कम है तो वो तैरेगी पानी में अगर पानी से ज़्यादा है तो क्या करेगा वो पानी में डूब जाएगी नेक्स्ट है आपको टू पिक्चर्स बनाने हैं सॉल्युबल सब्सटेंस के और टू पिक्चर बनाने हैं इन सोल्युएबल के तो ये आप क्वेश्चन खुद करोगे ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू